उज्जैन में लॉकडाउन के बीच शासकीय स्कूल के अतिथि शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अतिथि शिक्षकों ने अपना सेवा काल 12 महीने करने की मांग रखी है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि 30 अप्रैल को अतिथि शिक्षकों को शाला से कार्य मुक्त कर दिया गया। मानदेय के रूप में वर्गवार 5,000, 7,000 और 9,000 रुपये दिया जाता है। लॉकडाउन के बीच भी अतिथि शिक्षक ऑनलाइन विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं है कि सेवा के कार्य मुक्त होने पर अतिथि शिक्षक कोई और कार्य कर सके, इसलिए शासन से मांग रखी है कि अतिथि शिक्षकों को मई और जून का मानदेय देते हुए सेवा कार्य 12 महीने किया जाए। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपा है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेकोड़ा की अतिथि शिक्षिका माधुरी परमार ने बताया कि मेरा और मेरे साथ में 5 लोगों का मार्च अप्रैल का भी मानदेय नहीं दिया है, जिसको लेकर भी DEO को आवेदन दिया गया है लेकिन मानदेय नहीं दिया गया। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। आपको ज्ञापन देना सर, मार्च और अप्रैल का शासन के निर्देश के बाद भी हमारा वेतन नहीं बढ़ पाया है और प्राचार्य अपनी मनमानी से बोल रहे हैं कि हमने फरवरी में ही आपको निकाल दिया, जबकि शासन के ऐसे कोई निर्देश नहीं था। उनका बोलना है, DO मैम से जब आती थी तो उनका बोलना है कि जो मार्च तक आया उनको दिया जाएगा। सर ने मार्च में भी स्कूल फिर भी मेरा वेतन अभी तक नहीं मिला। ऑनलाइन भी पढ़ाया है सर, फिर हमारा मार्च अप्रैल में और तीनों का ही वेतन निकालना चाहिए और हमारे सभी साथियों का पूरे जिले में मार्च अप्रैल का वेतन निकल चुका है पर हमारा मार्च अप्रैल का भी वेतन नहीं मिला। आपने जिला शिक्षा अधिकारी या किसी अधिकारी से बात करी इस विषय पर? हाँ सर, मैंने DO मैम को भी किया था और यहाँ कलेक्टर ऑफिस में भी मेल किया था पर किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो आज मैंने ज्ञापन दिया और प्राप्ति भी किया। क्या नाम है आपका? माधुरी। सर, हम विगत कई सालों 12 सालों से अतिथि शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए, 12 माह सेवा काल किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही हमारा कुछ किया गया। आज की स्थिति में हम पोर्टल पर ज्वाइन हैं और मार्च अप्रैल के बाद अपने मई जून के वेतन की मांग की थी। कुछ जिलों में उज्जैन जिले में 28 लोगों का बिल बनाया है और मई का बिल बनाया है, लेकिन हमारा अभी तक तो मई का वेतन नहीं दिया गया है और आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, जिससे हम हमारा घर नहीं चला पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि ये तो संबंधित अधिकारी बता सकते हैं कि अभी आपने चर्चा करी? अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, अभी कलेक्टर साहब चर्चा उन्होंने लिया है, ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा जी। मैडम बताएं, अतिथि शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है, क्या कारण है? शिक्षकों का वेतन रोका है। कुछ शिक्षक कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़े थे, उन्होंने बताया कि हमारा वेतन रोक दिया गया है। मार्च लॉकडाउन अवधि तक काम कर रहे थे, उनको मार्च और अप्रैल तक का पेमेंट हुआ है, लेकिन जो लोग फरवरी में जिनका शेड्यूल खत्म हो गया था उन लोगों को फरवरी मार्च और अप्रैल का वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मार्च में लॉकडाउन अवधि तक काम करा और हायर सेकेंडरी स्कूल में अधिकांश जगह क्योंकि 9वीं 11वीं की परीक्षाएँ फरवरी में हो गई थी और 10वीं 12वीं की परीक्षाएँ 1 मार्च से शुरू हो गई थी, तो अध्यापन का काम हाईस्कूल हायर सेकेंडरी में खत्म हो गया था। इसलिए ऐसे शिक्षकों को जो मार्च में काम नहीं कर रहे थे उनको मार्च और अप्रैल का पेमेंट नहीं होगा, ऐसे विभाग के निर्देश है। मैडम, इनका पोर्टल पर नाम क्यों चढ़ा रखा है? क्या पोर्टल का नाम क्यों इसलिए चढ़ा था कि उनका वेतन निकला हुआ है फरवरी तक का, इसलिए चढ़ा हुआ है, एकदम से नहीं हटाते, वो कितने बार समाप्त होने के बाद ही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।